ये पौधे ये पत्ते ये फूल ये हवाएं दिल को चुराए मुझको लुभाए हाय मन झूमूं मैं गो मन कहे मैं झूमूं मैं गो। गुड मॉर्निंग। तो आज का जो ये वीडियो है काफी खास है और खास इसीलिए है क्योंकि अभी मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि मेरे पास दो रेडियो बहुत जल्द आने वाले हैं। एक के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो पगाड़िया का क्रेटा 5 मिनट मैंने वो ऑर्डर किया था, लगभग 26 या 27 जुलाई को ऑर्डर किया था और उसका जो डिलीवरी डेट है वो कल का है, यानी कि 5 अगस्त का उसका डिलीवरी डेट है। तो वो कल डिलीवर हो जाएगा मेरे पास। और इससे पहले कि आपको अपने दूसरे रेडियो के बारे में आपको जानकारी दूँ, मैं आपको पहले ये नज़ारा दिखाता हूँ, आप इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए। और चूँकि अभी बारिश हो रही है तो आप देखिए हरियाली कितनी बढ़ गई है और देखने में नज़ारा कितना शानदार हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये एक व्यू देखें, व्यू को एंजॉय करें, फिर आते हैं रेडियो वाले टॉपिक। और चूंकि अभी हो रही है बारिश, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि भीग इससे पहले कि मैं ज़्यादा भींगूँ आपको आसपास का नज़ारा दिखा दूँ और आप ये नज़ारे को एंजॉय कीजिए। क्या शानदार नज़ारा है आपको मैं अभी दिखा लेता हूँ। ये देखिए पीछे का एरिया है ये, और ये जो आप यहाँ पर इतना देख रहे हैं इसमें धान की फसल लगी हुई है। वो आप जो हरियाली वहाँ पर देख रहे हैं वो सब में धान की फसल है। और सामने जो है वो पटुआ की खेती है जिसमें जूट तैयार होता है वो वाला। और ये सब देखिए हरियाली कितनी शानदार लग रही है। ये इधर बांस का पेड़ आप देख सकते हैं और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है अभी और बूंदाबांदी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आपको इधर दिखाते हैं, इसमें कल तक पटुआ की खेती थी और पटुआ की फसल कल ही कटी है इसमें, तो ये खाली खाली सा लग रहा है। बारिश में देखिए नज़ारा कितना शानदार लग रहा है यहाँ पर। तो आपने इस पीछे वाले व्यू को काफ़ी कई बार एंजॉय किया होगा, मैंने कई बार दिखा रखा इस वाले एरिया को अपने वीडियो में। और अभी आपको दिखाते हैं अपने इस साइड का आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। और क्या ज़बरदस्त माहौल लग रहा है, क्या ज़बरदस्त मौसम है, आपका दिल नहीं करेगा यहाँ से जाने का। और ज़बरदस्त बिल्कुल आप नेचर के साथ रहें तो क्या ही मज़ा आता है। आप देखिए ये है आगे का एरिया, देख लीजिए। और अभी बारिश जो हो रही है तो आप बारिश की बूंद भी देख सकते हैं। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं और फिर आपको बताते हैं जो मेरा नेक्स्ट रेडियो है वो है फिलिप्स का चैम्पियन। और कल रात को ही फिलिप्स चैम्पियन को भी ऑर्डर कर दिया है। और ये चूंकि TVP ने फिलिप्स चैम्पियन को नई तरीके से इसे मॉडिफाई करके और कुछ बेहतरीन इसमें अपडेट दे के इसको फिर से लॉन्च किया है, तो काफ़ी बढ़िया पैकेज होने वाला है अमेज़ॉन पर। तो इसके बारे में मुझे सबसे पहले बताया था आनंद जी ने। और ख़ास बात ये है कि आप अगर इस रेडियो को सर्च करेंगे अमेज़ॉन पे नॉर्मली, जैसे आप नॉर्मली सर्च करते हैं रेडियो का मॉडल का नाम डाल के, तो ये आपको फाइंड नहीं होगा, सर्च नहीं होगा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये नॉर्मली सर्च क्यों नहीं हो पा रहा है, तो इससे बहुत सारे कस्टमर्स पे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो यही वजह है कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला और उसमें मैंने लिंक को मैंशन कर दिया जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड लोग हों वो इसको ख़रीद सकें। क्योंकि इस रेंज में जो प्राइस इसका मुझे पड़ा है वो 1928 रुपये के आसपास पड़ा है। मैं यहाँ पर उसका प्राइस मैंशन कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे कितना पड़ा था एक्चुअली में। और मेरे पास पहले से फिलिप्स के प्रिंट्स हैं जो कि प्योर ट्रांजिस्टर रेडियो है। एक्सेस डेटा का 2 रेडियो है जिसमें D808 और D109 है। और फिलिप्स चैम्पियन है मेरे पास जो कि 4 बैंड का पुराना वाला है, वो अवेलेबल है वो TV बैंड के साथ। मैं भी क्यूरियस था कि फिलिप्स ने आखिर क्या अपडेट किया है, TVP कंपनी ने क्या अपडेट किया है फिलिप्स के इस मॉडल में। मैं भी देखने को काफ़ी उत्सुक हूँ। और खास बात यह है कि इसमें TV बैंड को रिमूव करके इसमें शॉर्टवेव 1 और शॉर्टवेव 2 दिया गया है और सारे बैंड कवर हैं, 13 मीटर से लेकर 90 मीटर तक सारे कवर है। तो बहुत ही अच्छी बात है ये और रेडियो लवर के लिए, क्योंकि देखिए हर कोई महंगा रेडियो अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर आपको 2000 तक में अगर ब्रांड न्यू रेडियो मिल रहा है और इतनी सारी बेसिक जो नीड्स होती है एक रेडियो लवर के लिए अगर वो सारी मिल रही है तो इससे बेटर ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। ये मैंने खुद के लिए परचेज किया है, ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने दिया है, मैंने खुद के लिए परचेज किया और मेरा खुद का ये पर्सनल रेडियो होगा। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए मैं ये रेडियो मैं ले रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको पता चले, बहुत सारे लोगों के मन में ये होती है जानने की कि कैसा परफॉर्मेंस है। तो मैं इस रेडियो को नए वाले चैम्पियन को अपने पगाड़ या क्रेटा के साथ 5 बैंड का जो आने वाला है और नए वाले फ्रिज चैम्पियन के साथ भी आपको कंपेयर करके दिखाऊँगा। और आई होप कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको इस रेडियो को लेने में
काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि देखिए मेरा ये कहना है कि हर कोई एक्सेस डेटा का D808 नहीं ले सकता, और सिचुएशन ये है आजकल कि D808 में बहुत सारे फॉल्ट्स आ रहे हैं और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि कंप्लेंट कहाँ करनी है, कैसे करनी है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इतने महंगे रेडियो लेने का, क्योंकि जो रेडियो में जो खास स्पेसिफिकेशन दिए होते हैं उसके ज़्यादा यूज़ एक आम रेडियो प्रेमी नहीं करता है। उनके लिए एक सिंपल रेडियो बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें साउंड भी काफ़ी लाउड जाता है, और अगर उनको अच्छा रिसेप्शन मिल जाता है तो फिर क्या कहना। और अच्छे रिसेप्शन के लिए आप नॉर्मल वायर एंटीना बना सकते हैं, यागी एंटीना बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप महंगे रेडियो की तरफ जाएँ। एक जो रेडियो लवर होता है वो जैसे जैसे महंगे रेडियो को देखता है तो उनको लेने का मन कर जाता है, और ये स्वाभाविक है, क्योंकि मेरा भी मन है कि एक टेक्सन का जो H501X है वो लूँ, और वो लूँगा जो लेट होगा उसका मैं इंतज़ार करूँगा, जब भी लेना होगा तो मैं अगला अपग्रेड जो महंगे रेडियो में होगा तो मैं वही करूँगा। फ़िलहाल के लिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ कि कम बजट में बढ़िया रेडियो आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में रेडियो पे हर कोई इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहता, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेडियो सुनना चाहते हैं। और मेरा ये कहना कि मैं आप लोगों को रेडियो चूज़ करने में हेल्प करूँगा वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सेस डेटा का D808 भी है, और आप सबको पता होगा कि ये रिसेप्शन के मामले में ज़बरदस्त है, ऑन FM बैंड पे ये ज़बरदस्त है। तो एक्सेस डेटा D808 से कंपेयर करने के बाद FM पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रेडियो कहाँ स्टैंड करता है। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं आपको हेल्प करूँगा, और इसलिए मैंने बाकी रेडियो भी ऑर्डर किया हुआ है। और मेरी कोशिश रहेगी आगे आने वाले दिनों में भी कि जो कम बजट के रेडियो होते हैं और उसमें काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन भी होते हैं, जैसे पगारिया कहीं मैंने एक रेडियो देखा जो 2200 के आसपास का है, जिसमें कि टॉर्च भी है, इमरजेंसी लाइट भी दिया गया है, आप उसमें ब्लूटूथ स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है, तो उसका भी रिसेप्शन देखेंगे। मैं प्लान कर रहा हूँ धीरे धीरे ऐसे कम बजट रेडियो पे जाने का, और उसको मंगा के मैं आप लोगों के लिए उसका रिव्यू करूँ, आपको उसके बारे में जानकारी दूँ कि आप कौन सा बेटर होगा आपके लिए, आपकी चॉइस क्या होती है। जैसे कई लोगों को FM सुनना होता है, कई लोगों को शॉर्टवेव सुनना पसंद है, तो एक तरह से मैं प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन करके अपना एक वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि आपको किस रेडियो पे जाना चाहिए। मैं वर्डिक्ट दे सकता हूँ वो इसलिए बोला क्योंकि मेरे पास फिलिप्स का प्रिंस रेडियो है जो कि प्योर ट्रांजिस्टर है, और उस रेडियो का मुकाबला मीडियम और शॉर्टवेव पे आजकल का कोई भी रेडियो नहीं कर सकता है। और अगर आपने एक बार उस रेडियो को सुन लिया ऑन मीडियम वेव एंड शॉर्टवेव, तो आई डोंट थिंक कि आप किसी आजकल के रेडियो पे भी जाएंगे अगर आपको सिर्फ मीडियम वेव और शॉर्टवेव सुनना हो। तो मीडियम वेव शॉर्ट वेव पे अगर कंपेयर करना होगा तो मैं उसको यूज़ करूँगा, फिलिप्स प्रिंस को, और FM पे करना होगा तो अपना D808 को यूज़ करूँगा, और इससे पता चल जाएगा कि जो आजकल के रेडियो हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं। और यही क्राइटेरिया मेरा होगा अपने नए फिलिप्स चैम्पियन के लिए और पगारिया क्रेटा के लिए। पहले तो इन सब रेडियो का रिव्यू वीडियो आएगा, और फिर उसके बाद कंपेरिजन वीडियो आएगा, और आई होप आप लोगों को वो सीरीज पसंद आएगी। और जो पगारिया का क्रेटा है 5 बैंड है, उसके बारे में आपको बता कि उसका अनबॉक्सिंग हो सकता है कि वो फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी बॉय है उसी के द्वारा हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे जो है अभी OBD है, यानी कि ओपन बॉक्स डिलीवरी की सर्विस है अभी, और वही मैंने सिलेक्ट किया हुआ था ऑर्डर करते टाइम, क्योंकि पगारिया का जो क्रेटा है उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी लो है, काफ़ी तो नहीं, हाँ उसकी कमज़ोर है, तो उसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, और मे भी शायद ट्रांसपोर्टेशन में उसके सब कुछ डिफेक्ट ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने OBD सेलेक्ट किया था। और उसकी जो अनबॉक्सिंग होगी वो एक तरह से मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय ही करेगा, तो उसका मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तो एक तरह से वो अनबॉक्सिंग वीडियो भी हो जाएगा। और चूंकि मेरी आँखें बंद हो रही है क्योंकि बारिश की तेज़ बूंदें गिर रही है चेहरे पर, मेरे ख्याल से वो डिलीवरी मेरे रेडियो की कल ही हो जाएगी, तो फटाफट से वीडियो बना के आप लोगों को एक क्विक ग्लिम्प्स उसका दिखा देंगे आपको, और उसके बाद तो फिर वीडियो की सीरीज आने वाली है। और आगे भी कुछ रेडियो लेने के प्लान हैं, और चूँकि मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं, और जब वर्क फ्रॉम होम नहीं था, मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस था कोरोना से पहले, कोविड से पहले, तो मैं नोएडा में था और वहीं से ऑफिस जाता था, और जब से कोविड आया तो मैं घर से काम कर रहा हूं, तो मेरे पास काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है रेडियो सुनने का। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप लैपटॉप पर बैठ के काम करते हैं आप रेडियो को भी इंजॉय कर सकते हैं, तो अभी मेरा फेवरेट साथी जो है काम करने के टाइम में वो रेडियो ही है, तो इसीलिए मैं, और चूंकि रेडियो से मेरा लगाव काफ़ी पहले से है, तो ये एक बेस्ट समय था मेरे लिए कि मैं रेडियो को वापस से रेडियो पे फिर से जाऊं। हालांकि रेडियो को मैंने कभी छोड़ा नहीं, और जब मैं ऑफिस जाता था तो न्यूज़ ऑन AIR ऐप के थ्रू मैं एयरफोन से रेडियो सुनता था अपना लोकल जो बिहार का पटना दरभंगा भागलपुर स्टेशन था। तो इसके जो पगारिया क्रेटा का जो ओपन बॉक्स डिलीवरी है वो कल होगा जब डिलीवरी के टाइम में, तो उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो मेरे ख्याल से वही आ जाएगा इस वीडियो के बाद।
तो ये थी एक छोटी सी जानकारी अपने आने वाले रेडियो के बारे में, आने वाली वीडियो सीरीज़ के बारे में इस चैनल पे, तो सोचा कि आपसे एक बार ये शेयर कर दूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बारिश हो रही काफ़ी तेज और वीडियो को मैं लंबा करना नहीं चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।